अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस पार्टी के नेता, जिन्होंने दरअसल एक ट्वीट किया और ट्विटर के अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए उन्होंने कहा कि साहब जो गिरफ्तारी हुई है, इस गिरफ्तारी में अगर देवेंद्र सिंह का नाम खान होता तो शायद विवाद बढ़ता। इस बारे में आरएसएस के ट्रोल रेजिमेंट को साफ साफ और स्पष्ट शब्दों में जवाब देना चाहिए। रंग और कर्म को किनारे रखते हुए देश के ऐसे दुश्मनों की एक सुर में आलोचना की जानी चाहिए। तो दरअसल यही वो बयान था जिसके बुनियाद पर दोनों पार्टियां आमने सामने आ गई और वार पलटवार, आरोप प्रत्यारोप का दौर कुछ इस किस्म से चलता हुआ दिख रहा है। इसी के जवाब में संबित पात्रा ने आज कांग्रेस पार्टी पर प्रहार किया। उन्होंने ट्वीट किया कि कुलगाम में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों के साथ में गिरफ्तार हुए पुलिस अधिकारी का नाम इत्तफाक से देवेंद्र सिंह है, अगर देवेंद्र खान होता तो विवाद बढ़ता। तो इन तमाम चीजों को लेकर के जिस किस्म से हंगामा देखने को मिल रहा है, ऐसा लगता है कि भगवा आतंकवाद का एक मौके पर जो इश्यू उठा था जिस पर दोनों पार्टियां आमने सामने थी, एक बार फिर से कुछ उसी किस्म से मुद्दा सामने उठा।